आज हम आप सभी के लिए लाए हैं एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही पॉपुलर रेसिपी, और वो है स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक। फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरीज का सीजन है और मार्केट में बहुत ही फ्रेश स्ट्रॉबेरीज मिल रही हैं, तो मिल्कशेक बनाए बिना तो नहीं रहा जा सकता। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द कुकिंग फेलोज। तो चलिए बिना देर के आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ स्ट्रॉबेरीज हैं जिन्हें हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, जिससे शेक बनाते समय इन्हें चर्न करने में आसानी होगी। स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक की रेसिपी बहुत ही आसान है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी इंग्रेडिएंट्स आपके पास अवेलेबल हो, जितनी भी क्वांटिटी में, बस ग्राइंडर में डालें, चर्न करें और बना लें मिल्कशेक। हमने यहाँ पर करीब 8 स्ट्रॉबेरीज ली हैं और इस रेसिपी से हम करीब 2 बड़े ग्लास शेक बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से रफली हमने इन्हें चॉप कर लिया है। अब हम एक ग्राइंडर लेंगे और ये चॉप की हुई स्ट्रॉबेरीज को हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 3 से 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस, इससे शेक में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। यहाँ हमारे पास स्ट्रॉबेरी क्रश है, ये हम 2 टीस्पून जितना डाल लेंगे। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या इसकी जगह स्ट्रॉबेरी जैम भी यूज कर सकते हैं। और इसमें अब हम डालेंगे 3 से 4 स्कूप वनीला आइसक्रीम। आइसक्रीम ऐड करने से शेक बहुत ही थिक बनता है, पर अगर ये घर में अवेलेबल ना हो तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 कप मिल्क और फाइनली डालेंगे 3 से 4 आइस क्यूब्स। और अब इसको हम पल्स मोड पर चर्न कर लेंगे, जब तक कि ये सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। साथ ही हम सर्विंग ग्लास भी रेडी कर लेते हैं। ग्लास की रिम को इस तरह से हम क्रश में डिप कर लेंगे और क्रश से चारों तरफ से कोट कर लेंगे। आप इसकी जगह चॉकलेट का यूज भी कर सकते हैं। और यहाँ हमारे पास कुछ रेनबो स्प्रिंकलर्स हैं, तो इसको हम इसकी रिम पर अच्छे से कोट कर लेंगे, बट दिस इज टोटली ऑप्शनल, इसे हम सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज कर रहे हैं। ग्लास में थोड़ा सा क्रश ऐड कर लेते हैं और साथ ही ग्लास की वॉल्स पे भी इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। और अब हमारे शेक को हम इस ग्लास में ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए, बना है ना एकदम थिक और बढ़िया शेक। तो आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए ये यमी स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका फेवरेट शेक कौन सा है। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से हमारी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।